यहाँ पे देखिए तरबूज, पपीता, ग्रेप्स, ये सारे मेरे फेवरेट है, ग्रेप्स को छोड़ के। पेशेंट को देखने आए हैं फ्रूट्स लेके। पेशेंट पेन किलर खा कर मीटिंग कर रहे हैं। सिम्बा बेबो का वाटर फाउंटेन ये वाला ख़राब हो गया, तो सिम्बा तो फिर पानी पीना छोड़ देता है, फिर एक नया वाला मंगवाया है। नहीं 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 रखे आउट मशीन दे दो ना, तो देखिए बेटा नहीं जा, यदि मिलीबो गोटे नहीं आसो से आउट रूम रे लगा देबा। मिलीबो माने नहीं आसो तो मिलीबो साइज ना, माने साइज कुछ ना। ये देख नया आया, आ गया फाउंटेन, तो अच्छे से पानी आ रहा है, तो दोनों साथ में मिलके पानी पी रहे। बाय बहन, कैसे देख रहे दोनों? पी दे। ओ नो नो, सिम्बा को चाट दिला टी बेबो। ओ दीदी को भेज दो अभी। गुड मॉर्निंग, हैप्पी महाशिवरात्रि। बम बम बोले। चलो आज शनि बनी स्कूल जा रहे हैं, एंड आफ्टर वन आवर मामा विल ऑल्सो कम टू योर स्कूल। आज उनका SLC है, तो पेरेंट्स के सामने ये कुछ बोलेंगे, तो वही देखने हमें जाना है 1 घंटे बाद ही। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल, एंड आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज ये फ्राइडे, हनी मनी चले गए हैं स्कूल, एंड बस उसके 45 मिनट्स के बाद हम लोग भी निकल रहे हैं उनके स्कूल। आज उनका SLC है, वो हर महीने होता है, बच्चों को एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक के ऊपर वो बात करते हैं पेरेंट्स के सामने। लास्ट मंथ भी हुआ था ऐसे 10-15 मिनट का, तो बस हमारा स्लॉट मिला है 8:40 का, तो बस हम लोग 10 मिनट का ही होगा, तो 9 बजे तक हम लोग घर वापस आ जाएंगे। अभी तक मैंने पूजा वगैरह कुछ नहीं किया, आने के बाद मैं नहा के पूजा वगैरह करूँगी। आज मैंने सोचा कि साड़ी पहनूँ, देखते हैं, क्योंकि फिर आज फ्राइडे तो जल्दी छुट्टी भी हो जाता है बच्चों का, तो फिर मुझे लेने भी जाना है उनको 11:30 बजे, उनका छुट्टी होता तो 11 बजे मुझे जाना भी है। तो पूजा जितना मतलब साड़ी पहन के ना गाड़ी चलाना मुझे थोड़ा सा, अभी तक मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बट जैसे साड़ी पहन के चलते टाइम थोड़ा सा आपको आदत नहीं है, तो थोड़ा सा आपको वो होता है ना, मतलब थोड़ा ऑकवर्ड लग, ऑकवर्ड मतलब क्या, जैसे आप ऐसे चलोगे तो ऐसे छोंदी हवा हम लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब उलझते हो ना आप साड़ी में, तो मुझे वही डर है कि गाड़ी चलाते टाइम कहीं मैं ब्रेक और एक्सीलेटर में वो ना कुछ ना हो जाए, इसीलिए मुझे डर लगता है, बट देखते हैं होगा तो आज मैं ट्राई भी कर सकती हूँ, पहली बार ट्राई कर सकती हूँ। एंड आज मेरा फास्ट रहेगा, जीत का तो तबीयत ठीक नहीं है, तो मेडिसिंस वगैरह चल रहा है, तो वो नहीं रखेंगे, फ्रूट्स वगैरह भी वो नहीं खा पा रहे, वरना वो खाली फ्रूट्स में ही रखते हैं, तो मेरा निर्जल रहेगा, मैं हमेशा हम दोनों ही निर्जल फास्ट रखते हैं। एंड जब शाम को उड़ीसा में हमारे साथ लिंगराज टेम्पल जो होता है ना, तो वहाँ पे महादीप जो है वो मंदिर के ऊपर लेके जाते हैं, महादीप जब देखने के बाद हम अपना फास्ट जो है वो खोलते हैं। इस बार हम लोग मंदिर शायद नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पहले क्या था, 2 मंदिर थे, 2 शिव मंदिर, मतलब एक बार दुबई में, एक उधर जो नया वाला जबल अली, तो उसके बाद भी इतना ज़्यादा रश होता है, मतलब आपको वेटिंग मतलब क्यू में खड़े रहना पड़ता है 3-4 घंटे ऐसे। और इस बार तो वो शिव, ये बरदोई वाला शिव मंदिर बंद हो गया है, तो नया मतलब वो खाली एक ही शिव मंदिर है, तो उसमें पता नहीं कितना भीड़ होगा। और इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों को लेके मौसम भी ठीक नहीं है, आज से वेदर मतलब वार्निंग आया है, आज रात से लेके कल बहुत ज़्यादा बारिश, मतलब जैसे स्टॉर्म टाइप का ना वैसा है दुबई में, तो वार्निंग भी आया है कि आज से ही स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आज इवनिंग से ही, तो मंदिर शायद हम लोग नहीं जा पाए, तो घर पे हम लोग पूजा कर लेंगे अच्छे से, एंड TV पे ही हम लोग हर साल देखते हैं उड़ीसा का वो लाइव, वो देखते हैं जब महादीप आता है, तो फिर मैं अपना फास्ट खोलूँगी, मतलब पानी वगैरह पीऊँगी। तो यही है, तो पहले तो जाके आती हूँ मैं हनी मनी के स्कूल से, देन फिर मैं नहा के पूजा वगैरह जो है वो करूँगी। आ गए यहाँ पे बाबा विश्वजीत, शिवरात्रि विश करते, विश यू वेरी 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 हैप्पी महाशिवरात्रि, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में, बाय। 43 41, yeah, and the height is map of the world, tell, these are emirates, hmm. 7 emirates, hmm. Umar Queen, Ajuman, Fujita,
Sharjah. Wow, Abu Dhabi is so big, Dugu. Wow. Other table. Hi, Hana. How are you? He didn't start with Queen Victoria. Oh, you didn't start with Queen Victoria. No, thank you, thank you. Okay. Oh, wow. Oh. Next, what is this? First an egg, then it will eat the leaf, then it will go inside his place, then it will turn a butterfly and lay eggs again. Wow. Yeah. And what is that? A project. Oh, desert animals. Yeah. Wow. So nice. A butterfly lay eggs. Okay. Then a larva eats so many leaves. Mm. Then it goes to a pupa and stay there for 15 days. Mm. Then it comes out as a butterfly. Mm. Wow. And it again lays eggs, huh? Yeah. So this is a cycle, butterfly life cycle. Yeah. Oh, so let's go to humanity. The size. Mm. I will estimate or you will? You have to estimate the size. Okay, okay, I'll hold it. Okay, you hold other side. You hold other side. Estimate. Okay, estimate. Maybe 35. Okay, let's see. Let's see. Oh, I'm wrong. Let's see. It's 42. 42. You can measure the plant also. साड़ी पहन ली है. वंस अगेन आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं. हर हर महादेव. तो यहाँ पे ये वाली साड़ी मेरे पास एक रखी थी, बहुत सिंपल सी, मतलब कॉटन नहीं है, मतलब मिक्स टाइप का है कुछ ऐसे. पिंक बॉर्डर है ऊपर, नीचे येलो बॉर्डर है, ये ऐसा है कुछ. ये रहा मेरा पूरा लुक. एंड इस साड़ी के साथ में ना कोई भी वो ब्लाउज पीस नहीं था, तो मैंने एक कॉटन का ब्लाउज पीस, मैंने इस टाइप के कॉटन के ब्लाउज पीस ना, मतलब रेडीमेड जो ब्लाउज है ना, वो मैं मोस्टली सारे कलर्स के लाके रखती हूँ. किसी भी साड़ी के साथ में हो जाएगा. तो ये मैंने कॉटन का एक पहना है, तो काफ़ी लूज भी हो रहा है एंड कहीं से इससे मैच भी नहीं हो रहा. ठीक है, चलेगा. और पहन लिया मैंने ऐसे तैसे. एंड चूड़ियाँ पहन ली है मैंने इसके साथ में, चूड़ियाँ अच्छे से मैच हो रही है. एंड ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो है, ये इसके साथ में अच्छा लग रहा है, तो मैंने पहन लिया. कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताना. बहुत दिनों के बाद शायद मैंने साड़ी पहनी है. एंड बस अभी मैंने पूजा तो कर लिया है, सुबह की पूजा. शाम को बस मैं फ्रूट्स वगैरह भोग लगाऊंगी एंड वही व्रत खोलने के बाद वही फ्रूट्स वगैरह मैं खा लूँगी. अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ हनी बनी एंड जीत के लिए लंच बनाऊँगी. तो जीत की तबीयत कल से थोड़ा बेटर है, मतलब बात कर पा रहे, गले में थोड़ा कम दर्द है. तो मैं सोचूँ डालमा बना लूँगी, तो वैसे बिना प्याज लहसुन का बनता है, तो हनी बनी भी खा लेंगे. अगर जीत खा पाए तो खा लेंगे, सॉफ्ट सा राइस बना दूंगी, वरना फिर उनके लिए मैं खिचड़ी बनाऊंगी अगर वो नहीं खा पाए तो. एंड बस यही है. मैं अभी दालमा वगैरह बना के लंच की तैयारी करके जाऊंगी हनी बनी को स्कूल से पिक करने के लिए. वैसे तो जीत गए हैं अपना ड्रिप लगाने के, जो एंटीबायोटिक्स का ड्रिप चल रहा है ना उनका, तो 5 दिन तक चलेगा, तो आज 3rd डे है. तो वो गए हैं, वो बोल रहे थे अगर उनका टाइम से ख़त्म हो जाएगा तो वो जाएंगे हनी बनी को पिक करने के लिए, वरना मैं जाके ले आऊँगी. एंड बस यही है. आप सब ने कैसे मनाया महाशिवरात्रि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. एंड शिव जी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें. आप सब हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए. हर हर महादेव. Thank you.
यहाँ पे फ्रूट्स जो है मैंने रख दिया है, अभी शाम की मतलब आरती करेंगे तो वहीं पे ये भोग लगा दूंगी मैं, एंड फिर महादेव उठने के बाद मैं ये खा लूंगी। जितने मुझे धोखा दिया है, जितने मुझे कल बोला कि मैं फास्ट नहीं रखूंगा, बट उनके दिमाग में था कि वो रखेंगे, अगर मुझे बोलते तो मैं उनको मना करती कि आप मत रखो ये करोगा, तो इसलिए मुझे बोल दिया कि मैं नहीं रखूंगा, सभी मुझे बोला कि मैं नहीं रख रहा हूँ। एंड फिर वो अपने डॉक्टर के पास गए थे, आने के बाद मैंने वो लंच वगैरह बनाया हुआ था तो हनी बनी को मैंने खिलाया, मैंने बोला आप भी खा लो, तो उन्होंने बोला मैंने तो फास्ट रखा हुआ, मैंने कहा क्यों रखा हुआ है ये वो, तो बोला नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ आज, वैसे भी उनकी तबीयत बहुत ठीक है, अभी वो बात कर पा रहे सब कुछ ठीक है, बोल गया नहीं मैं ठीक हूँ, डॉक्टर से पूछ के आए कि मैं एंटीबायोटिक्स ले रहा हूँ इतना हाई डोज तो फास्ट रखूंगा तो कुछ कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं फास्ट रखो अच्छी बात है, बॉडी को टाइम मिलता है हील होने के लिए तो अच्छा रहता है, फास्टिंग बहुत अच्छा है, तो अगर आप रख रहे हो तो रखो, तो बस और चौड़ में आके मुझे बोल रहे कि मैंने तो फास्ट रखा है, तो उन्होंने भी रखा हुआ है अभी शाम की पूजा के बाद। पता नहीं वो क्या खाएंगे क्योंकि वो तो फ्रूट्स वगैरह नहीं खा पाएंगे अभी, तो उनके लिए बना खिचड़ी थोड़ा सा बना दूंगी या जैसे वो बोलेंगे, मैं तो सोच रही हूँ मैं तो बस फ्रूट्स खाऊंगी एंड दूध पियूंगी एक गिलास, तो वो अगर पता नहीं क्या करें उनको मैं पूछूंगी, फिलहाल तो अभी मैं जाती हूँ पूजा संध्या आरती, मतलब हम साथ में मिलके हनी बनी मैं वो सब लोग कर लेंगे, एंड साड़ी मैंने उतार दिया था 2:30 बजे का राउंड उतार दिया था, एंड ये वाला मैंने पहना है, ये कोई सूट नहीं है ये नॉर्मल सा एक ड्रेस है, उसके ऊपर मैंने चुन्नी लिया हुआ है, बस पूजा करूंगी इसीलिए। एंड भाई भाभी अभी आ रहे हैं, उन दोनों का भी फास्ट है, बट उन्होंने कल बोला था कि कल जब आए थे ना बोला था कि हनी बनी को लेके जाएंगे उनका बर्थडे गिफ्ट कुछ दिलाने के लिए, तो हनी बनी को लेके वो दोनों जाएंगे, तो वो लोग आ रहे हैं साथ में, हम सब लोग मिलके आरती कर लेंगे देन वो लोग जाएंगे, फिर मैं देखती हूँ कुछ बनाऊंगी खाने के लिए। दिया बोला सुबह मैं व्रत नहीं रख रहा, फिर क्या रखा है? कहां से पावर आया आपको? बम बम बोले से मैं को कल रात को ही आ गया था बोला था। हाँ कल आपके बातों से रात को पता चल रहा था कि पावर नहीं, मैं एक्चुअली कुछ और चीजें बड़ी को मेरे को दिमाग में आइडिया आए थे हाउ टू इवन कोलेस्ट्रॉल को भी कैसे घटाना है फास्टिंग अलग फास्टिंग। चलो इसलिए पापा ने अपने बर्थडे के दिन से स्टार्ट किया फास्टिंग, फास्टिंग बहुत अच्छा होता है, बॉडी हील होता है। इनको आज डॉक्टर ने सो गाइस पूजा होने के बाद जो लिंगराज टेंपल में महादीपा जो है वो देख लिया हमने उठ गया है, तो हमने पानी पी के जो भोग लगाया था फ्रूट थोड़ा थोड़ा सा खा लिया, उसके बाद हम लोग गए थे इधर जो बुर्जमान मॉल, हनी बनी को भाई भाभी कुछ बर्थडे गिफ्ट मतलब उनके पसंद का लेना चाहते थे कोई टॉय,
तो हम लोग भी साथ चले गए थे। बस आने के बाद सबको भी भूख लगी है, मैंने चावल रखा है दालमा में, बस तड़का लगा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा हम लोग खा लेंगे दाल चावल। मेरा मन है कि मैं दूध पीऊँ, देखती हूँ अगर मन किया तो थोड़ा सा दाल चावल खा लूँगी, वरना मैं दूध पी के सो जाऊँगी। मुझे मतलब फ्रूट से मेरा हो गया है इतना, मुझे कुछ चलेगा मेरा तो देखते हैं। फिलहाल तो अभी मैं बस अदरक, यहाँ पे घी एंड कड़ी पत्ता, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा एंड लाल मिर्च का पाउडर, बस इसका तड़का लगा रही हूँ। भाभी यहाँ पे काट रहे सलाद, सिम्बा बेबा यहाँ पे मेरे पीछे भाभी के पीछे आ रहे हैं, उनको ट्रीट चाहिए। आज मैंने उनका ट्रीट बंद कर दिया, मैंने कहा आज महाशिवरात्रि तुम्हें ट्रीट नहीं मिलेगा, तुम्हें नॉन वेज नहीं खाना। वो बेचारे घूम रहे मेरे पीछे पीछे, क्या हुआ बेबो बेबो, ट्रीट 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 ट्रीट, देखो ट्रीट ट्रीट नाम से सिम्बा आके देख रहा है मुझे, ट्रीट हाँ नांगुड़ा लो ट्रीट ट्रीट सिम्बा ट्रीट 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 चाहिए बोलो ट्रीट ट्रीट, सूख रहा है मेरे हाथ को आके। ओके 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 मिलेगा मिलेगा मिलेगा, अब महादीप उठ गया है तो ट्रीट खा सकते हो, फास्ट फास्ट हो गया तुम्हारा। तीन दिनों के बाद जीत ने खाना खाया और देख के इतना अच्छा लग रहा है कि वो खुशी से खा रहे, दो तीन बार राइस लेकर थोड़ा 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 खाया है ना, अच्छा लगा। बाबा की मेहर है, निर्जल व्रत करने का कुछ तो उपहार दिया, मतलब तो अभी थोड़ी देर एक घंटे तक भी लगातार नहीं खा पाऊंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री राम। एंड हम लोगों का भी मतलब हम लोग सोच रहे थे कि बाहर, मतलब ये लोग तो स्पेशल सोच रहे थे कि बाहर को थाली वगैरह जैन थाली वगैरह खाएंगे, बट ये जो खाना है ना हमारा अरुआ डालमा, वो मतलब उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी के साथ। अगर एक बार खाते तो यहाँ पे हम उसको तीन बार खा रहे बहुत कुछ भी नहीं, बस दाल डालमा राइस सलाद नींबू। चलो वेज में शायद इससे बेटर कुछ खाना मैंने ओडिया फूड नहीं खाया सच में। हाँ। इसके साथ में दो चार और आइटम होता है बट नहीं चाहिए। हाँ। जैसे दही वाला आलू दम एक सोल फूड है ना, ये वैसे भात डालमा एक है, पखाड़ा एक है, नहीं पखाड़ा यही सर। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, रात के 1 बजे से शुरू होगा बातिया धमाल, धमाल शुरू होगा, आया है सबका फोन में अलर्ट आ गया है। इंडिया में जब भी कभी साइक्लोन वाइक्लोन से रिलेटेड कुछ खबर आती है तो लोग घबराए घबराए रहते हैं, यहाँ पे लोग उल्लू की तरह हाथ खोल के रहने, अरे आया क्या, अरे रोज सर पूछ, अरे तेरे यहाँ कुछ हो रहा है क्या, अभी तो बारिश ही नहीं शुरू है यार, थोड़ा हवा हवा भी नहीं चल रहा। वो अलेन से स्टार्ट होगा ना, अलेन से स्टार्ट होके फिर इधर को आएगा, 1 बजे से स्टार्ट होगा तो कुछ हो रहा है क्या? ये मेरे कपड़े बाहर सूख रहे हैं, मैं अंदर ले आती हूँ, बह जाएंगे मेरे कपड़े। आप भी जाओ, आप नहीं आपका तो वो रोड पूरा पानी हो जाएगा, फिर तैर तैर के जाओगे, फिर डोंगा भास भास के जाएंगे, भास भास के जाओगे। और एक देखो उधर भास रहा है, देखो ज्यादा भासोगे तो आपका नाम कल से भास्कर हो जाएगा, उधर भास रहा है देखो, वो बह रहा है वो, एक ये तो एक आइटम है, ट्रीट खा के सो गया अपना। चलिए गाइस वंस अगेन आप सबको हैप्पी महाशिवरात्रि। अगर किसी को नहीं पता ना कि सिम्बा ओरिजिनल है कि वो है, क्योंकि उसको अगर मानता है अगर कोई खिलौना रखा उसको साइड में रखो वैसे ही पड़ा रहेगा। हाँ सही में, सॉफ्ट टॉयज साइड कर देते उसको भी साइड कर दो तो उसी पोजीशन में फिर से सो जाएगा। चलो बाय बाय सब लोग, बाय बाय बोल दो, बाय 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 बाय, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, मिलते हैं। आज आप लोग बताना जीत का फेस कैसा दिख रहा है, लास्ट वाले ब्लॉग में सबने कमेंट किया था कि जीत कमजोर हो गए, बट आज थोड़ा सा फेस में ग्लो आया है। कैसा कमजोर भाई, वेट तो कम हुआ नहीं, हाँ लेकिन 1.5 किलो टोटल कम हुआ। तो आप 3 दिन में 1.5 किलो कम हुआ और क्या चाहिए, 30 दिन हम 30 मैं 30 दिन भी नहीं खाऊं तो भी मेरा 1.5 किलो कम नहीं होगा। तू तो अपनी बात कर रही है। चलो बाय बाय, चलो बाय।